नामांकन दाखिल किया, चुनाव लड़ना है। 51 विधानसभा छतरपुर से जनता का सहयोग मिल रहा है, हमारे विद्यार्थियों को सहयोग मिल रहा है, कर्मचारियों को बेहद सहयोग मिल रहा है और हम विजयी होंगे। पार्टी और भाजपा पार्टी के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को सबसे आगे देखता हूँ, चूँकि मेरे जितने समर्थक हैं उन निस्वार्थ भाव से मेरे समर्थक हैं और दिल से जुड़े हुए हैं आम आदमी। क्या आप पार्टी के लिए आपने अपनी टिकट नहीं ली? मुझको 30 जून को तो मैं रिटायर हुआ हूँ यार, आज 3 महीने रिटायरमेंट हुए, कौन सी पार्टी में मैंने काम कर दिया? हाँ, उसकी विचारधारा के साथ कुछ दिन जुड़ा रहा लेकिन टिकट नहीं मिला, तो अब हम आ गए। हमारा मुकाबला ललिता जी से होगा। ललिता जी से अभी आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम जो है मज्जन से मुकाबला करने वाले हैं, मज्जन मुकाबले से बाहर हो गए, वो तो पहुंच गए 4थे नंबर पर। हाथी और मज्जन का होगा, हाथी और कांग्रेस का होगा, हमारा और ललिता जी का होगा। क्या विकास करेंगे हम छतरपुर में? देखो, सबसे पहले जो विकास करना है मेरे जो लक्ष्य में है, आपके छतरपुर शहर से जो 11 अमानतें वापस चली गई हैं उन अमानतों का वापस लाना, जैसे हिसाब से आपका रैन बसेरा, महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म हो जाना, विश्वविद्यालय का चला जाना, मेडिकल कॉलेज का चला जाना, नर्सिस सेंटर चला जाना, महिला बाल विकास सेंटर चला जाना, आकाशवाणी का चला जाना, आपका NTPC चला जाना, इंटरनेशनल हवाई अड्डा चला जाना और हमारे ओवर ब्रिज की जो इधर में योजना लटकी है उनको वापस लाना। जी हाँ, मेरे पास अगले साल तो भी आएंगे, फैमिली सहित आएंगे, रथ लेके आ रहे हैं और यहाँ पर 2 दिन रहेंगे, पहले और 1 दिन रहेंगे बाद में। कोई तारीख तय हुई है क्या? अभी तारीख होगा, यहाँ पर 1 तारीख को तय होना है। क्या केवल विद्यार्थियों के साथ से आप चुनाव जीत सकते हैं? आप केवल विद्यार्थियों के साथ से आप बताने के? जी हाँ, विद्यार्थी युवा वर्ग है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है और हमारे कर्मचारियों के साथ छल कपट नहीं होता है जो हमसे दिल से जुड़े हैं। 37 साल में अगर तुम 2000 का ही घोड़ा कर दो तो 74,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है, तो 74,000 का मुझे 50,000 वोट ही चाहिए मतदान जीतने के लिए, कौन सी बड़ी बात नहीं है। अब विद्यार्थियों के परिवार, उनके बच्चे, कितना बड़ा परिवार है, आधा शहर मैंने पढ़ाया है। बच्चों का भविष्य बनाते बनाते आप राजनीति में अपना भविष्य क्या देखते हैं? हमारा भविष्य तो जैसा पहले था वैसे ही, बस हमारा भविष्य तो भगवान के आश्रय है, लेकिन हम छतरपुर शहर का भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे, जैसे अपने विद्यालय को बनाया है, राधा कृष्ण मंदिर को बनाया है और छात्रों के हित में जो भी कार्य किए हैं, छात्रों का भविष्य बनाया है, वैसे हम शहर का भविष्य बनाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि जो हमने मांग पत्र रखा है, जो कार्ड बनाया है, उसको एक बार जरूर पढ़ें, समझें, इसके बाद मतदान करें।